इसराइल के टैंकों का गाजा के बॉर्डर पर जमावड़ा है, लेकिन वो गाजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं? लाखों की तादाद में इसराइल की सेना सीमा पर जमी हुई है, लेकिन गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? किस मजबूरी ने इसराइल की सेना के पांव जकड़ रखे हैं? क्या इसराइल की हमास के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी अभी अधूरी है? क्या इसराइल की फौज गाजा में घुसने से डर रही है? क्यों कहा जा रहा है कि ये जमीनी हमला नहीं आसान? गाजा में बारूद का दरिया है और जान पर खेल कर जाना है। गाजा में हमास ने कितना जानलेवा जाल बिछा रखा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये जाल फांसी के फंदे जैसा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस जाल में जो फंसा समझिए जान से गया? क्या हमास का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र ये जाल ही है जिसने इसराइल की सेना के पांव रोक रखे हैं? दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इसराइल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमास ने इसराइल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इसराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया कि कैसे वो इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। अब बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इसराइल की फौज गाजा में कैसे घुसेगी? इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक ग्राउंड अटैक में देरी की एक वजह अमेरिका के सैनिकों की लैंडिंग है। दावा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही ग्राउंड अटैक के लिए पुख्ता तैयारी भी ग्राउंड अटैक में देरी की वजह हो सकती है। बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के मुद्दे ने भी इसराइल को ग्राउंड अटैक से रोक रखा है। बंधकों की रिहाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमास से जुड़े जैसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे जैसे कबूलनामे सामने आ रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। हमास का एक नोट सामने आया है जिसमें उसने अपने दुश्मन के खिलाफ ऐसी बातें लिखी हैं कि सुनकर कलेजा कांप जाए। हाथ से लिखे हमास के इस नोट में लिखा है, दुश्मन एक बीमारी की तरह है। अपने आतंकियों से हमास ने अपील की है कि वो अपने दुश्मन को खत्म करें, क्योंकि इस दुश्मन का कोई इलाज नहीं है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमास ने इस नोट के जरिए अपने आतंकियों से कहा है कि उसे अपने दुश्मन को हर हाल में मिटाना ही होगा। नोट में कहा गया है कि उसे अपने दुश्मन का सिर कलम करना होगा। यही नहीं, आतंकियों से कहा गया है कि उन्हें अपने दुश्मन का दिल और लीवर शरीर से चीर कर बाहर निकालना होगा। सिर्फ हमास का लिखा यह हैंड नोट ही नहीं, इसराइल में कत्लेआम मचाने वाले एक आतंकी का अपने पिता के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में हमास का आतंकी अपने पिता को नरसंहार की कहानी सुना रहा है। انا قاعد اكلمك من جوب بسيم افتح الواتساب اقول له وين شوف كيف القتله شوف كيف قتلك فيديو يا ابن قتل يهود هاي دخلوا في سيم يا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب قاعد اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد يا ابو افتح الواتساب شوف كيف قتلك يا ابو افتح افتح بدي اسال عليك واتساب قول له وين روح ربنا معك بالسلامه
يابا يا جماعة بيصير يابا يابا والله عشرة قتلت عشرة بيت يابا يابا على ايدي اعطيني امي بطلنا صوت الكاري انا اول شكرة بتاعت صوت الله عز وجل انا اقول صبي ارفع راسك يابا فوق ارفع راسك يابا انت في نص السكاري جوا في نص السكاري جوا انت جوا المدينة في النصر في النصر تكاري جوا شفت على الواتف شوف كيف الخطه قتلكم على الفون شفت على الواتف تبعي طب خلاص ارجعوا خلاص ارجعوا ايش ارجعوا مش رجعوا यही वजह है कि बंधकों की रिहाई इसराइल की टास्क लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर रिहाई को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता फिर ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प रह जाएगा। लेकिन युद्ध पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो गाजा की गली गली में युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक तैयारी है। अगर इसराइल की सेना गाजा में घुसी तो उनका सामना हमास के खूंखार आतंकियों से होगा। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए हमास का सबसे बड़ा मजबूत किला है क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा की इन सुरंगों में दो मंजिला इमारतें होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास की हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हैं और जैसे ही इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर टूट पड़ेंगे। पहला सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, इजराइल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, इसराइल की सेना अगर गाजा में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो हमास इसराइल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? इसराइल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उनके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। गाजा को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा हमास की इन बारूदी सुरंगों में जमा जखीरे से लगाया जा सकता है। गाजा में इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास सुरंगों से लेकर सुरंगों से बाहर तक तीन लेवल पर डिफेंस प्लान तैयार कर चुका है। पहला है, इजराइल को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, उसके टैंक और मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है, इसराइल की फौज जब गाजा बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो बॉर्डर पर ही उनको काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं, उनके टैंकों को तबाह किया जाए। तीसरा है, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी गाजा की गलियों में इसराइल की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। इन तीनों प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में हमास का सबसे बड़ा मददगार उसकी सुरंगों में मौजूद हथियार बनने वाले हैं। इजराइल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संकरी गलियां बनने वाली हैं, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेंगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दनादन चलेंगी। लेकिन सबसे अचूक हमला सुरंगों के अंदर ही होगा जिसे तोड़ने की पूरी तैयारी के बाद ही इजराइल की सेना गाजा के अंदर दाखिल होगी।